तो भाई साहब ये है जी आपकी 50,000 रुपये वाली चाट। तो भाई साहब ऐसी चाट आपको खिलाने वाला हूँ आज जो सिर्फ अमीर आदमी ही खा सकते हैं, गरीबों के लिए नहीं बनी। और ये है जी दौलत की चाट। अगर आपके पास दौलत है तो आ जाओ खाने, अगर नहीं है तो भाई स्किप कर दो, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास थोड़ी दौलत हुई तो हम आ गए दौलत की चाट खाने। भैया मैंने थोड़े पैसे पूसे जोड़ के दौलत इकट्ठी की, मैं दौलत की चाट खाना है आपके पास। तो भैया बताओ ऐसा कैसे, क्या प्रोसेस रहता है इसके बनाने का? ये भैया वो दूध को उसमें रखा जाता है। किसमें? उसमें रखा जाता है। उसमें? अच्छा मतलब वैसे ही खुले ही उसमें? ठीक है ठीक है जी। जो कि कोई कुछ कचरा नहीं रहती। अच्छा अच्छा। और ये रात को बनती है भैया जी? अच्छा ठीक है। इसकी भैया बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत लगती है। अब मेहनत लगती है भैया तभी तो दौलत की चाट है ना, ये तो महंगी तभी है, मेहनत इतनी है। क्यों? अच्छा चलो। और ये ऊपर जो पीले पीले रंग का ये भैया केसर लगता है, केसर और पिस्ता है। केसर और पिस्ता। अच्छा ये सिर्फ नीचे से वाइट है ऊपर से ये पीले रंग की है ना। और खाने में कैसी मीठी होती है? खाने में मीठी होती है। खाने में मीठी होती है। तो दिल्ली में कब कब मिलती है ये? दिल्ली में भैया मिलती है रामलीला से लेके। अच्छा। और लास्ट होने वाला है। अच्छा खत्म होने वाली है अभी? खत्म होने वाली है, गर्मियाँ शुरू हो गई है क्योंकि। अच्छा ये क्या चीज डाल रहे हो आप? ये भैया भूरा है। ये भूरा है? ये खोया है, कढ़ाई वाला। ये कढ़ाई वाला खोया है? खोया मतलब खुरचन टाइप? हाँ खुरचन। ये खुरचन टाइप है ना। अच्छा तो ये दौलत की चाट आज हम खा रहे हैं जी। वो थोड़ी सी दौलत इकट्ठी हुई तो मैं क्या चलो ठीक है आज अमीरों के शौक पूरे करते हैं अमीरों वाले। ये भाई साहब क्या गजब लग रही है। और ये है जी केसर और पिस्ता। केसर और पिस्ता ये ऊपर से आ गया जी बुरा। तो भाई साहब ये है जी आपकी 50,000 रुपए वाली चाट। 50,000 रुपए का पत्ता है ये? सॉरी 50 रुपए का पत्ता भाई साहब, ये थोड़ा ज्यादा हो गया क्योंकि दौलत की चाट है ना, तो मेरे को लगा 50,000 की होगी। भाई साहब 1,000 रुपए की। 1 किलो कितने की? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए की तभी दौलत की चाट है। तो भाई साहब ये है कि जो कि बहुत मेहनत के बाद जो है तैयार होती है, ये आप देख सकते हैं। अब इसको टेस्ट करता हूँ कि टेस्ट कैसा है। और ये गर्मियों में नहीं मिलेगी, सर्दियों में मिलनी शुरू हो जाएगी दोबारा से। ये ऐसी है कि मतलब मुंह में रखते ही और ख़त्म, इसका ये वाला हाल है। मतलब जो बुजुर्ग है ना जिनके दांत वात नहीं चबा सकते, तो उनके लिए तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है भाई साहब। पर वो एक कमियाँ पर दौलत होनी चाहिए, हमारे जो बुजुर्ग होंगे बेचारे बूढ़े गरीब वो मत आए, क्योंकि वो दौलत की चाट है तो अमीर आदमी आए वो खाए। भैया एक बार लोकेशन बताओ अपनी शॉप की। मैं भैया मिलता हूँ उसका चौक। कौन सा चौक है? उसका चौक है भैया जी। अच्छा यहीं मिलोगे आप? हाँ। किस नाम से आपकी? परवेज कुमार। परवेज कुमार जी दौलत जी चाट वाले पे आ जाओ। लग गया ना गजब।